तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, मतलब कि एडवांस एक्सेल की जो हमारा पहला लेवल है उसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे होम मेनू बार, क्योंकि हमने बताया था आपको कि हम मेनू बार से ही चलेंगे। तो होम मेनू बार में हमने कॉपी पेस्ट का कल बताया था कि कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, बेसिक बात था। आज इसमें थोड़ा चलिए बढ़ते हैं, लेकिन सिन्हा जी आए हैं और उन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा पीछे का भी रिपीट कर देता हूँ फास्ट चेक में, ताकि मेरे को स्टोरी पता चल जाएगा। जैसे सिंपल सा एक देता हूँ, मान लीजिए नेम, और मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, सीरियल नंबर दिया और उसको ड्रैग कर देता हूँ, और रैन बिटवीन लगाता हूँ अपने रैंडम फॉर्मूले के लिए। और सुजीत सर, मुझे रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है अपने, शायद आवाज नहीं आएगा, एक बार दे दिया अभी स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ये हमारे पास डेटा है और हमें क्या करना है, इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है। तो जनरली हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाता है, बट हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल है जो कि यहाँ से भी पेस्ट स्पेशल या फिर राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट स्पेशल ला सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप पूरा का पूरा डेटा को पेस्ट ना करें, डेटा के एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करें, पूरा का पूरा डेटा पेस्ट ना करें, डेटा के एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करें, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए कि फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मेनू बार के अंदर जो होता है वो पेस्ट होता है। अगर मैं पेस्ट करता हूँ वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पेस्ट होती है फॉर्मूला रिमूव करके। फिर पेस्ट स्पेशल में हम मैं करता हूँ फॉर्मेट, तो इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है। अगर मैं पेस्ट स्पेशल में अगर कमेंट करूँ तो इसकी जो कमेंट होगा वो पेस्ट होगा, और इसमें तुम बॉर्डर करूँ तो बॉर्डर पेस्ट होगा, बॉर्डर के बगैर पोस्ट होगा। और इसके बाद अगर मैं कॉलम ब्रिथ करूँ, सिर्फ कॉलम की ब्रिथ पेस्ट होगी, डेटा साइज नहीं होगा, डेटा वगैरह नहीं होगा। इसलिए मैंने इस पर डबल क्लिक करके कॉलम छोटा कर दिया, और कहीं इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर रहे हो तो ये कॉलम की ब्रिथ को पेस्ट करेगा, राइट। अब ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डेट, हम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ तरह है। अब डेट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जब हम पेस्ट करेंगे तो डेट क्या करता है, वैल्यू करते हैं तो वो इस तरह के नंबर में रहता है। एक क्या होता है, एक नंबर ऑफ डेज होता है, कंप्यूटर पे जब से स्टार्ट हुआ है ना, और जब तक का डेट है एग्जाम, तब तक का जितना नंबर ऑफ डेज है, मतलब कि फ्रॉम द कंप्यूटर कैलेंडर एंड टू द एंटर डेट, जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं उसमें आपका स्टोर होता है नंबर, ये आपका ये जब पेस्ट करते हो वैल्यू तो फॉर्म डेट की फॉर्मेटिंग हट जाती है, क्योंकि डेट भी एक फॉर्मेट है और पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। तो एक तरह तरीका है कि आप इस पर कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, डेट बन जाएगा, या फिर आप जैसा फॉर्मेट वैसा ही लेके आना चाहते हो बट डेट की फॉर्मेट, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट है उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल में यहाँ वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट, नंबर वैल्यू फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला नंबर वैल्यू नंबर फॉर्मेट, मतलब कि आपको ये फॉर्मूला और इस वैल्यू की जगह पे इन दोनों का यूज करना चाहिए। देन ओके, राइट, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया, राइट सर, राइट, कुछ और तो नहीं इसमें। अब अगला टॉपिक आते हैं, जैसे कि अगर आपने 20 लिया और यहाँ पे 30 लिया, अगर 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट किया तो 30 रिप्लेस हो जाता है
तो 20 रिप्लेस करके 30 हो जाता है। चलिए 30 रिप्लेस करके 20 हो जाए, गलत बोला हूँ, सुबह सुबह। लेकिन आप ऑपरेशन में जाते हैं पेस्ट स्पेशल के, और ऑपरेशन में आपने सेलेक्ट करते हैं यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो चीज़ हो जाएगा। इसमें ऐड किया, ऐड ओके किया, तो इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ और यहाँ देखिए 50 आ गया। आ गया ना सर? हाँ। अब इसका हमने बताया था रिसर्च करने के लिए दीपक शर्मा जी, तो आपने कुछ रिसर्च किया दीपक शर्मा जी? हाँ सर। कुछ रिसर्च किया सर? ऑनलाइन तो मुझे एसेस नहीं मिला जो मेरे काम का हो, लेकिन मैंने अपनी सीट्स में चेक किया था जहाँ मैं अपनी रिपोर्ट अपडेट करता हूँ, जहाँ मुझे DPR करना होता है। तो कई बार मुझे अगर ऐड ऑन करना होता है कम्युनिटी करने के लिए, तो मैं डायरेक्टली उससे ऐड करके किसी शीट में ऐड कर सकता हूँ। काम करी बैठा मुझे नहीं था। मतलब कि इससे कुछ बेनिफिट हुआ ना आपको सर? बिल्कुल बेनिफिट है सर। मुझे इंसर्ट करके या फॉर्मूले इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली उसको ऐड ऑन करके पेश करके वैल्यू करके सीट ऐड ऑन कर सकता हूँ। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है यूटिलाइज करें, मतलब कि आप जो यहाँ सीख रहे हैं उसको यूटिलाइज करें, समझे? ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम बात, आपने तो सोचा, अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे यूज करूँगा। तो बेसिकली मतलब ये शॉर्टकट हो गया है ना? हाँ, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं ही बताता हूँ। जैसे एक परसेंटेज, उस समझिए कि परसेंटेज का क्या रोल है एक्सेल में। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 20% लिखना चाहता हूँ, तो 20 और यहाँ पे परसेंट का सिंबल देखिए, आपके 20% आ जाएगा। लेकिन मैंने अगर 20 लिख दिया और फिर परसेंटेज देंगे, तो 2000% हो जाएगा। मतलब कि 1 = 100%, 1 = 100%। प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, आप कंटिन्यू की। 1 = 100%, मतलब कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है, तो मैं यहां पे करूंगा 0.20 और फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल देंगे, राइट? इसमें हमारे कलीग थे, वो क्या करते थे कि हमें परसेंटेज भेजा करते थे, पर कुछ ऐसे ही रेट रेट होते थे परसेंटेज के। तो रैंड यहां पर रैंड बिटवीन 10 और यहां पर 90 हमने कर लिया, और यहां हम देते हैं 20 तरह से मुझे भेजा करते थे। प्रॉब्लम क्या होता था, एक नंबर होता था, मतलब 55% होना चाहिए था ऐसे, बट वो 55 लिख के भेज देते थे, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर था उसको ऐसे ही निकाल के देता था। अब मुझे इसको अपने फाइल में डालना था, लेकिन वहाँ पे मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता था परसेंटेज में, क्योंकि वहाँ पर मेरा पूरा फॉर्मूला, मेरा पूरा सेटिंग जो है वो परसेंटेज पे है, कंसिडर है यहाँ पे परसेंटेज इस तरह के, तो करें कैसे? तो किसी अलग सेल पे मैं यहाँ 100 लिखूंगा और फिर इस 100 को पूरा एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, राइट? राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम इसको कर देते डिवाइड एंड
देन परसेंटेज। अब मैं परसेंटेज का सिंबल दे सकता हूं यहां से। दूसरा अगर एक और तरीका बताऊं मैं, एक जगह पे और एग्जांपल इसका बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बना रहा हूँ मैं। ये हमारी सेल्स है, ये आपको दिख रहा है ना, सेल्स है। और हर दिन हर बंदे हर पर्सन के लिए हर प्रोडक्ट का अलग अलग टारगेट है जो कि यहां दिया गया है, समझ गए। तो बॉस को बोलते हैं कि मुझे यहां पे ये नहीं मतलब है कि वो 55 किया या 33 किया है, हमें ये बता करो कि इसकी जो टारगेट डिसाइड थी उस टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया है, मुझे यहाँ पे परसेंट दो। मतलब कि 55 डिवाइड बाय यहाँ पे डिवाइड बाय 79, समझे। और यहाँ पे हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 28। तो हर किसी का अलग अलग है। तो मैंने उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ए है उसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पे टारगेट्स को भी रख लिया। अब टारगेट को हमने कॉपी किया और इस पे गए राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे हमने कर दिया डिवाइड। सर तो ये वन टू वन, मैनी टू मैनी भी कर सकते हैं और वन टू मैनी भी कर सकते हैं, बट सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो सिन्हा जी आप समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या है। हेलो, आगे बढ़े जी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे ही कुछ फिगर आउट है, इसको हम क्यूसी टीम को बोले हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं है। तो क्यूसी टीम ने बोला कि कुछ इसमें कुछ सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, उतने सेल्स नहीं हुए एक्चुअल में। तो उन्होंने क्या किया, करेक्ट बता दिया। मतलब कि उन्होंने बोला कि 39 नहीं हुआ था सेल, ये 42 सेल हुआ था और 86 नहीं, 68 हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक है। और इन्होंने ऐसे ही 48 की जगह पे 84 बताया और 30 नहीं हुआ था, 35 बताया उन्होंने करेक्ट करके, और यही आपका 54 सेल हुआ था। इस तरह से उन्होंने कुछ अपडेट बता दिए। तो मेरे हजारों में से कुछ सौ उन्होंने निकाल के दे दिया। अब यहां क्वेश्चन आता है, यहां पे क्वेश्चन आता है इसको अपडेट कैसे करें। मतलब कि मुझे इसको कॉपी करके इसके पेस्ट करना है, इसको कॉपी करके इसके पेस्ट करना है, तो कैसे किया जाए। तो अगर एक एक करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और भी बहुत तरीके हैं, फिल्टर फॉर्मूला वगैरह, लेकिन सिंपल तरीका एक है कि आप पूरे कॉलम को कॉपी कर लो। अब इस पे, अब इस पे मैं जनरली पेस्ट करूंगा तो पूरा ओवरराइट कर देगा ना, लेकिन यहाँ पे है कि जिसमें वैल्यू नहीं है वो करेक्ट है, वो जैसा वैसा रहना चाहिए। तो पेस्ट स्पेशल में आपके साथ होता है स्किप ब्लैंक। अब स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट करें एंड ओके कर दें तो ये क्या करेगा, ब्लैंक को स्किप कर देगा, सिर्फ इसकी जो नंबर्स है वो नंबर्स को ही डालेगा, राइट। समझ गया जी सर। सिन्हा जी समझ में आ रहा है ना आपको सर। हाँ जी, हाँ जी। वो म्यूट था आपका इसलिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक की।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मान लीजिए जो डेट डला हुआ है चाहे नेम डला हुआ है, यही चीज़ मैं किस कहीं और चाहता हूँ किसी और सीट पे, तो एक तरीका है कि इक्वल कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको ड्रैग कर सकते क्या। तो जैसे मैं यहाँ पे पूजा के जगह पे ओम करके एंटर मारूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओम हो जाएगा, हो गया। अब इस सेम सीट, लेकिन इसमें दिक्कत होता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करना है, जैसे मुझे इसको करना है और कंट्रोल दबा के इसको करना है, बीच के दो को नहीं करना है, तो उसमें इक्वल थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो आप इसको कॉपी कर लें, और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे सेम सीट अनदर फाइल कहीं भी ले जा सकते हैं। पेस्ट स्पेशल यहाँ आता है, पेस्ट एज ए लिंक, लिंक कर सकते हैं। ट्रांसपोज तो आपको आता ही होगा, ये मोस्टली आपको आता है ट्रांसपोज, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहां जो आप देख रहे हैं हमने क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक। तो आप एक डेटा को जिसको करना है उसको कॉपी करें, जहां पे करना है वहां पे जाए और कर्सर रखें पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक। तो पेस्ट एज ए लिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके एक जगह पे कुछ भी चेंज होगा तो बाकी सभी जगहों पे चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं और उसके रिपोर्ट में डेट है, तो एक रिपोर्ट के 10 सीटें हैं, 10ों सीट पे अलग अलग डेट डली हुई है। तो जो आप जो अलग अलग डेट जो डालेंगे, अलग अलग सीट पे डेट डालेंगे, तो ऐसा हो सकता है किसी दिन कोई डेट छूट जाए। किसी दिन कोई डेट छूट जाए आपका, तो उससे अच्छा है कि आप लिंक कर दें, पहले सीट को चेंज करें, बाकी सारी सीट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, सर मेरा एक क्वेरी था इसमें हाँ पूछिए। सर, जैसे कभी हम फिल्टर लगा के कोई चीज जो होती है उसमें फिल्टर करके कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई फॉर्मूला होता है जो सिलेक्शन करने के लिए केवल उतने ही पोर्शन को सिलेक्ट करके दोबारा कॉपी, क्योंकि वो उसमें क्या है सारी सेल्स आ जाती हैं नीचे तक, या हम ड्रैग करते हैं तो फिल्टर को ना मार के सारी सेलों में वो कॉपी होता है। होता है सर, वो फिल्टर में ऐसी प्रॉब्लम होती है, जी तो उसमें आपको फिल्टर में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। ओके सर, फिल्टर में जैसे कि आप एक सेल को कॉपी कर सकते हो करके कैसे बाकी में पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कई सारे सेल्स को कई सारे सेल्स भी नहीं कर सकते, वन टू नहीं वन मैंने, कर नहीं सकते। सर वो नहीं, 1 to 1 तो होता है। मान लीजिए मैंने कहीं फिल्टर लगाया, मेरे पास 100 अभी रोज हैं, मान लीजिए फिल्टर करने के बाद मेरे पास 15 या 20 रह जाती हैं, हाँ मैंने उनको सेलेक्ट करके कॉपी किया और अदर सीट में जाके अगर मैं उसको पेस्ट करता हूँ तो वो 12 ही सीट, 12 ही मेरी रॉ पेस्ट होती है वहां पर, कंप्लीट तो आता नहीं है वो। तो पेस्ट से वैल्यू कीजिए, और पेस्ट करने से पहले जब पेस्ट आप करते हैं तो पेस्ट करने से पहले यहाँ पे गो टू स्पेशल होता है, यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट में गो टू स्पेशल, इसमें विजुअल सेल्स कर लीजिए सर। विजिबल सेल्स में लिख के हाँ आप, तो जो विजुअल होगा उसी को सिलेक्ट करेगा, पीछे का उसी सिलेक्ट को सिल। करेगा। हाँ ओके ओके ओके, ओके आगे बढ़े। हाँ सर, तो ये हमारा पेस्ट एज ए लिंक, तो पेस्ट एज ए लिंक समझ में आ गया। जी अब अगला टॉपिक आता है पेस्ट एज ए पिक्चर। कभी कभी क्या होता है कि हमें इसको एक बड़े से जगह में या एक छोटे से जगह में दिखाना होता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको हम कैसे दिखाएं। क्योंकि तो अगर हम कॉलम छोटा करेंगे, इसी छोटा हमने कॉलम किया तो पूरा कॉलम छोटा हो गया ना, इसके नीचे कुछ डेटा हो सकता है पहले से, तो ऐसी दिक्कत होगी। तो हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद इसी पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल नहीं माफ कीजिएगा, यहीं पे पेस्ट
पेस्ट इज ए पिक्चर, तो ये आपका पेस्ट इज ए पिक्चर हो जाता है, राइट। पेस्ट इज ए पिक्चर होने से क्या होता है, इसको कितना भी बड़ा कर लीजिए और कितना भी इसको छोटा कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको रोटेट करना है रोटेट कर लीजिए, कहीं भी रखना रख सकते हैं, लेकिन ये दूसरे आपस में लिंक नहीं है। अगर यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा तो यहाँ अपडेट नहीं होगा, बट आप चाहते हैं कि ये अपडेट हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का यूज करेंगे। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पिक्चर लिंक का यूज करने से क्या होता है कि आप अब ये लिंक हो गया, अब इसमें मैं कुछ भी चेंज करूंगा, जैसे पहले इसकी मान लीजिए कलर ही चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है। सर इसको हम पीपीडीज में यूज कर सकते हैं पिक्चर्स को? हाँ मैं बता रहा हूँ, इसको ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा, अब हर एक पिक्चर एक लिंक एक इससे होता है, लिंक कनेक्ट होता है, देख रहे एड्रेस से, मतलब कि अगर मैनेज करके डेट में आपका बढ़ जाता है, बढ़ गया ना, तो मुझे इसको बढ़ाने के लिए जस्ट इसका एड्रेस को इंक्रीज कर देना है, 9 कर दिया इंक्रीज हो गया। सेम सीट अनदर फाइल पे इसका यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि मान लीजिए कि मुझे इसको कॉपी करके वर्ड पावर पॉइंट आउटलुक वगैरह पे ले जाना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे खोलते हैं। सबसे पहले मैं इस वर्ड को खोलता हूँ, मैं पावर पॉइंट को खोलूंगा, हम शुरुआत वर्ड से करते हैं, राइट। यहां पेस्ट स्पेशल होता है, इस पर क्लिक कीजिए, और यहां पे पेस्ट एज ए लिंक एचटीएमएल फॉर्मेट भी है, बट माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट को सही रहेगा आपका, या पिक्चर भी कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ओके कर दीजिए। क्या हो गया, तो टेम्पररी लगाता है, हाँ आ गया। अब मैं मान लीजिए कि मैं कलर चेंज कर दिया 6 जनवरी को, देखिए यहाँ पे 6 जनवरी कलर चेंज हो गया। अगर मान लीजिए कभी चेंज नहीं हुआ तो राइट क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए अपडेट लिंक, ठीक है। वर्ड के बाद ऐसे ही आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक और यहां पे ओके, और इस तरह से वहां भी चेंज होगा तो यहां भी चेंज हो जाएगा। अब बात होती है आउटलुक में कैसे करें, क्योंकि मान लीजिए हमने मेल भेज दिया तो चेंज थोड़ी होगा, तो आउटलुक में इसका यूज हम लोग करते थे टेम्पलेट। क्या होता था कि हमें हमारी जब इसकी मंथ एंड स्टार्ट होती थी तो मंथ एंड में प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब मैं मंथ एंड स्टार्ट होती थी तो उसमें हर घंटे हमें सेल्स का अपडेट भेजना होता है, तो क्या होता था हर बार हम लोग क्या करते थे, कॉपी करते थे पेस्ट करते थे और भेज देते थे मेन बॉडी पे। तो हमने कैसे करते थे बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डियर सर लिख दिया, यहाँ पे लिखते थे बिलो है। और इसके बाद उस टॉपिक को जो हमने पेज स्प्रेड में आते थे और
हम इसको पेस्ट कर देते थे, हम पेस्ट नहीं करते थे, यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते थे और नीचे अपना कार्ड चलता था, राइट। और जिसको सब्जेक्ट में सब्जेक्ट डाल देते थे और सीसी में जिसको डालना है उसको डाल देते थे, टू में जिसको डालना है उसको डाल देते थे, राइट। अब सेंड कर देते थे। अब मैंने क्या किया कि सेंड नहीं किया, क्योंकि सेंड करने के बाद ये चीज मुझे दोबारा करना उतना ही करना पड़ेगा, समझे, दोबारा ही मुझे सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैं इसको सेव करता था, सेव सेव एज, माफ कीजिएगा, सेव एज करता था। और कहा यहां पे टेम्पलेट नहीं, यहां पे देखिए आउटलुक टेम्पलेट ले लेता था, क्या लेता था, आउटलुक टेम्पलेट। और एक लोकेशन में हम सेल्स अपडेट के नाम से सेव कर देते थे। मैं इसको क्लोज करता हूं। अब जैसे कि मुझे मेल करना होता था तो हम क्या करते थे, सेल्स अपडेट हमारा, हम जस्ट इसको ओपन करते थे, यस, और जस्ट सेंड। सॉरी ये सेल्स अपडेट यहाँ यहाँ पर होना चाहिए, चला गया। अब मैं अपना डेटा चेंज किया, मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फिर मैं वापस इसको ओपन किया, चेंज हो गया डेटा मेरा। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट सेंड पे क्लिक कर देना है। तो इसका यूज हम लोग करते थे। आ गया मेल, देख रहा है, इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। ये सर, गुड डाउट इसमें पेज है लिंक में और पिक्चर में, नहीं सर। अब अगला ऑप्शन आता है पिक्चर लुकअप का, पिक्चर को एक टॉपिक हम आपको कल